बिजली हूं, मुझसे ही देश और दुनिया की प्रगति है। मैं नहीं तो जिंदगी रोशन नहीं, और साधनहीन का कल्याण मेरे बिना संभव कहां। ऐसे में किया गया अंत्योदय का संकल्प, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने का संकल्प, जिसकी कल्पना की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और अमल कर दिखाया मोदी सरकार ने। के 18,452 गांव पिछले 70 साल मेरे बिना किस हाल में जीते रहे होंगे। इन गांवों तक पहुंचना आसान जो नहीं था, कहीं घने जंगल तो कहीं ऊंची पहाड़ियां, कहीं उफनती नदी तो कहीं तपता रेत, रास्ते कहीं कच्चे कहीं वीरान, न छतरी न छांव। और तो और 2014 से पहले विद्युतीकरण की जो रफ्तार थी, वही रहती तो शायद और 10 साल लग जाते इन गांवों तक मुझे पहुंचने में। और तब देश के प्रधान सेवक ने संकल्प लिया, इन 18,500 गांवों में 1,000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में ग्राम विद्युतीकरण के साथ 5 और उद्देश्य जोड़े गए। घरों को लगातार बिजली देने के लिए अलग लाइन देना, ढांचागत सुधार, हर ग्रामीण घर को बिजली कनेक्शन देना, जहां तार ना जा सके वहां सोलर विद्युत की व्यवस्था, और सभी घरों में मीटर लगाना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने ये फैसला लिया है कि इन टोलियों तक भी, इन छोटे धानियों तक भी विद्युतीकरण पहुंचाना है। ये अभियंता मुश्किल भरी राहों को, रास्ते की बाधाओं को पार कर इन गांवों में खंभों, ट्रांसफॉर्मर और तारों के जरिए मुझे पहुंचाने लगे। काम की रफ्तार क्या है, कितना काम हुआ, कितना बचा, सब गर्व ऐप के जरिए सरकार को बताने भी लगे। इनकी मेहनत का फल है कि 700 दिनों के भीतर 13,000 गांवों में मैं पहुंच भी गई। गांव में बिजली का आ जाना कितनी बड़ी राहत है, कितनी बड़ी खुशी है। सुनिए उनसे जिन्होंने जीवन में पहली बार देखी बिजली की रोशनी। 3 पीढ़ियां ने बिजली देखी नहीं सब हमारे यहाँ बिजली। अब हमारी बिजली आने से हमारा बच्चा पढ़ सके, कोई भी अनुभव हो सकता है, कोई भी गैस सिलेंडर बिजली आने से अनुभव हो गया हमारा। पहले हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी, पहले दिए थे पढ़ना पत्तो, और अब रोशनी आई तो पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े अफसर बनेंगे। अभी तो एक तिहाई सफर बाकी है, लगभग 4,000 गांवों तक अब भी मुझे पहुंचना है। जाने कितनी कमला और राजू राह देख रहे हैं मेरी, और मैं जल्द ही हर गांव तक पहुंच जाऊंगी। मुझे भरोसा है अपनी टीम इंडिया पर। लेकिन केवल गांव तक पहुंचना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो तब पूरा होगा जब मैं हर एक घर को रोशन कर दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, भारत के लगभग 4 करोड़ घर तो अब भी मेरे बिना अंधेरे में रात गुजार रहे हैं। मुझे तो उन सभी घरों में पहुंचकर उन्हें रोशन करना है, उज्जवल भारत के सपने को पूरा करना है, और इस सपने को पूरा करने की तैयारी हमने कर